हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। नई दिल्ली में अशोक तंवर और दुष्यंत चौटाला ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इसमें तंवर ने कहा, जहां जहां जजपा मजबूती से लड़ेगी वहां उनकी ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। अब कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ेगी। वे कांग्रेस की गुरूर और घमंड तोड़ने का काम करेंगे। राज्य की सभी 88 सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान है। तंवर ने यह भी कहा कि मैंने अपने साथियों के साथ सलाह मशविरा करने के बाद विधानसभा चुनावों में जननायक जनता पार्टी को समर्थन देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, भारतीय नौसेना के पास इतनी सबमरीन और पनडुब्बी नहीं है जितने उनके पास साथी हैं। ये दुश्मन का नाश नीचे ही नीचे करेंगे। इस सर्जिकल स्ट्राइक आज से शुरू होगी। बता दें कि अशोक तंवर ने 5 अक्टूबर को पार्टी छोड़ दी थी। तंवर ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए टिकट वितरण में सीधे सीधे खरीद करने का आरोप लगा चुके हैं। तंवर ने कांग्रेस को एक आदमी ने हाईजैक करने का आरोप लगाया था। सब साथियों से सलाह मशवरे के बाद हमने कहा कि क्योंकि 5.5 साल पहले जिम्मेदारी दी थी और खासतौर से पिछले विधानसभा चुनाव के बाद वो हमने बखूबी निभाई और हमने कहा कि हमने क्रांति के बीज बोने का काम हरियाणा के अंदर किया। नए ऐसे साथी जो बड़ा जज्बा रखते हैं, जुनून रखते हैं, सब कुछ नौछावर करना जानते हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, उन साथियों की फौज तैयार की और आज वो क्रांति के बीच पूरे हरियाणा में इस चुनाव के अंदर देखने को मिलेंगे। अहिंसा में विश्वास रखता हूँ और आज से हमने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक भी होगी, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक आज से शुरू हो गई है। जो जो पापी हैं, अत्याचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, हरियाणा को जलाने वाले हैं, भाईचारे को मिटाने वाले हैं और जिन्होंने हरियाणा का लोगों का मीठा मीठा खून पीने का काम किया है, हरियाणा को खोखला करने का काम किया, दीमक की तरह खा गए हैं, उनके साथ आज से हम अगले 21 तारीख तक पूरी मजबूती से लड़ेंगे और उन ताकतों को सबक सिखाएंगे।